हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रोडिक्स फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। रोडिक्स फॉर्मूला होता है पी एन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू डी एन अपॉन डी एक्स एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन, हमारा ये रोड्रिक फॉर्मूला होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग रोड्रिक्स फॉर्मूला। फाइंड वैल्यू ऑफ पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स एंड पी थ्री एक्स। रोड्रिक्स फॉर्मूला का यूज करके हमें पी नॉट एक्स, पी वन एक्स एंड पी टू एक्स एंड पी थ्री एक्स की वैल्यू निकालनी है। रोड्रिक्स फॉर्मूला होता है हमारे पास पी एन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू डी एन अपॉन डी एक्स एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन, हमारे पास एक रोड्रिक्स फॉर्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री पुट करेंगे तो हमें पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स एन, पी थ्री एक्स मिल जाएगा। सबसे पहले हम एन इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, पुटिंग एन इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी पी नॉट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू टू पावर जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर जीरो। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें वन मिल जाएगी, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है। तो सिंप्लीफाई करके पी नॉट एक्स की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी। इसी तरीके से पुटिंग एन इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी वन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू टू पावर वन इंटू वन फैक्टोरियल इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू टू एक्स इक्वल टू एक्स, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स हमें वैल्यू मिल जाएगी, वन के डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो यहाँ से पी वन एक्स इक्वल टू एक्स हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब पी टू एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पुटिंग एन इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। एन इक्वल टू पुट करेंगे तो पी टू एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू स्क्वायर इंटू टू फैक्टोरियल इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वन अपॉन एट फोर इंटू टू एट इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। हमने डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स में चेंज कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पी टू एक्स इक्वल टू वन अपॉन एट डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, टू इंटू टू फोर, फोर टू जाए तो वन अपॉन टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इक्वल टू वन अपॉन टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमारे पास ये पी टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से एन इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो पी थ्री एक्स वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये आप खुद कीजिएगा, पी थ्री एक्स की वैल्यू आप खुद निकालेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ एम लेस देन एन सो दैट इंटीग्रेशन लिमिट माइनस वन टू वन एक्स टू पावर एम p
पी एन एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, हमें ये प्रूफ करना है यूजिंग रोडिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन लिमिट माइनस वन टू वन एक्स टू पावर एम पी एन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन, वहाँ पे पी एन एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, रोडिक फॉर्मूला से हम पी एन एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। रोडिक फॉर्मूला होता है हमारे पास पी एन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल डी एन अपॉन डी एक्स एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन, ये रोडिक फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर हम पी एन एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। वन अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटीग्रेशन लिमिट माइनस वन टू वन एक्स पावर एम डी एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन डी एक्स, ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू वन अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन इंटू डी माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन, लिमिट हमारी माइनस वन टू वन। इंटीग्रेट कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन से, हम इसे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन एम हो जाएगा एम इंटू एक्स स्क्वायर एम माइनस वन, माइनस वन टू वन एक्स स्क्वायर एम माइनस वन डी टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन डी एक्स। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट दिस वन इक्वल टू माइनस वन टू पावर वन अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एम इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एक्स पावर एम माइनस वन डी टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन डी एक्स। इस वाले में हम इस टर्म में लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, वन रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस वन रखेंगे तो ये पूरी टर्म हमारी लिमिट की वैल्यू रखने पे वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास सेकेंड वाला टर्म मिलेगा माइनस वन को हमने माइनस वन टू पावर वन के टर्म में लिख दिया। अगेन इंटीग्रेटिंग माइनस वन टू द पावर वन इंटू एम अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स टू पावर एम माइनस वन इंटू डी टू पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन, लिमिट माइनस वन टू वन माइनस एम माइनस वन इंटीग्रेशन लिमिट माइनस वन टू वन एक्स टू पावर एम माइनस टू इंटू डी टू पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन इंटू डी एक्स। अगेन इंटीग्रेटिंग वी गेट दिस वन, फिर से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो ये टर्म फिर से जीरो हो जाएगी, वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगी, माइनस वन रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास सेकेंड टर्म ही मिलेगी, फर्स्ट टर्म लिमिट रखने पे वैल्यू जीरो आ जाएगी। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इक्वल टू माइनस वन टू द पावर टू इंटू एम माइनस वन अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू इंटीग्रेशन लिमिट माइनस वन टू वन एक्स टू पावर एम माइनस टू इंटू डी टू द पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन इंटू डी एक्स, लिमिट रखने पे हमारे पास ही वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, इसी तरह की हम सारी वैल्यू फिर से इंटीग्रेट करते रहेंगे एम टर्म्स तक, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन टू द पावर एम, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वन टू पावर थ्री एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, इस तरीके से टर्म्स आते जाएंगे, तो एम टर्म तक ऐसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन टू द पावर एम इंटू एम इंटू एम माइनस वन वन अप टू थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल। आगे भी हम इसे इंटीग्रेट करते जाएंगे तो एम टर्म्स तक इसे इंटीग्रेट करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी इंटू इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एक्स टू पावर एम माइनस एम, टू टाइम हमने इंडिकेट किया तो एम माइनस टू, फिर एम टाइम करेंगे तो एम माइनस एम इंटू डी टू पावर एन माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन इंटू डी एक्स, हमारे पास से वैल्यू आ जाएगी, हमने इसे फिर से इंटीग्रेट करते रहेंगे, लास्ट में हम एम टाइम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड टर्म में हमारे पास माइनस वन टू और टू आ रहा है और
एम की टू टर्म आ रही है। इसी तरीके थ्री टाइम करेंगे तो माइनस वन टू बार थ्री इंटू एम माइनस वन सोन और टू, इस तरीके से टर्म आएंगी। फिर लास्ट में अगर एम टाइम करेंगे तो माइनस वन टू बार एम एम इंटू एम माइनस वन सोन और टू थ्री इंटू टू इंटू वन। फिर यहाँ से टू में यहाँ पर टू आ रहा तो एम टर्म में हमारे पास एम माइनस एम हो जाएगा और यहाँ से एन माइनस एम ये वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू माइनस वन टू बार एम, ये पूरी टर्म हमारी एम फैक्टोर हो जाएगी। एम फैक्टोरियल अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी टू पावर एन माइनस एम माइनस वन अपॉन डी एक्स टू पावर एन माइनस एम माइनस वन। डी एम टू पावर एन माइनस एम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी का मतलब हमारा डी अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस एम को वन कॉमन ले लिया यहाँ से पावर, तो वन यहाँ पे माइनस करके इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस ऑपरेटर का डी का मतलब हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स, एन माइनस एम है तो यहाँ पे माइनस एम करते हैं वन बाहर ले लेंगे तो ये एडजस्ट होकर फिर से डी बार एन माइनस एम हो जाएगा। तो इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा तो फिर से हमें डी बार एन माइनस वन अपॉन डी एक्स का एन माइनस वन मिल जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन टू डी एक्स इक्वल टू माइनस वन टू पावर एम इंटू एम फैक्टोरियल अपॉन टू टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू इंटीग्रेशन और लिमिट ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी डी टू पावर एन माइनस एम माइनस वन अपॉन डी एक्स टू पावर एन माइनस एम माइनस वन आफ्टर इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस वन टू पावर एन, लिमिट हमारी माइनस वन टू वन हो जाएगी। लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू टर्म जीरो हो जाएगी, पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, माइनस वन रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगी। लिमिट रखने पे पूरी टर्म हमारे पास जीरो आ जाएगी, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट माइनस वन टू वन एक्स पावर एम इंटू पी एन एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों आज हमारा लेजेंडा पॉलीनोमियल में लास्ट वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।